नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सनी एडू क्लासेस में। दोस्तों आज मैंने आपके लिए बिहार करंट अफेयर्स का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक BSSC लेवल के प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आया हूँ, जो आपके आने वाले परीक्षा के लिए इस टॉपिक से आपको 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप सभी फ्रेंड्स इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो इसी के साथ देर न करते हुए आज की इस बेहतरीन क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बालों और नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो देखिए फिर सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैरोटीन। देखिए फिर बालों और नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। आप सभी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हेपेटाइटिस मानव के शरीर में किस अंग को प्रभावित करता है? तो देखिए फ्रेंड्स सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यकृत को। देखिए फ्रेंड्स यकृत जो है ये हेपेटाइटिस मानव के शरीर में यकृत अंग को प्रभावित करता है, आप सभी ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किस विटामिन में नाइट्रोजन पाया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन बी में। देखिए फ्रेंड्स विटामिन बी में नाइट्रोजन पाया जाता है, आप सभी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स ये क्लास आपको कहीं ना कहीं पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ फ्रेंड्स, नए नए अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि डेसिबल इकाई का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि की तीव्रता ज्ञात करने के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, आप सभी ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदे का आकार गोल हो जाने का कारण क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोल आकार में हो जाती हैं, आप सभी ध्यान रखिएगा, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोल आकार में हो जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, एक प्रश्न कई एग्जामों में देखा जा चुका है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बाजपन होता है, बाजपन वाली रोग विटामिन ई की कमी से होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए फिर मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो अगर आपको राइट आंसर पता है तो आप हमें बता सकते हैं। देखिए फिर मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, आप सभी ध्यान रखिएगा, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। देखिए फिर यह 7 रहेगा तो उदासीन रहेगा, अगर 7 से नीचे रहेगा तो अम्लीय रहेगा, और 7 से ज़्यादा रहेगा, 7.4 है इसका पीएच मान मानव रक्त का, 7.4 है तो ये क्षारीय हो जाएगा, तो मानव रक्त का पीएच मान क्षारीय है यानी कि 7.4 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? तो देखिए फिर सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोलोजोन। देखिए फ्रेंड्स कोलोजोन ये है जो मनुष्य के सर्वाधिक शरीर में पाए जाने वाला प्रोटीन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो देखिए फ्रेंड्स सही आंसर है पटना। देखिए फ्रेंड्स बिहार के पटना जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, आप सभी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स ये क्लास आपको कहीं ना कहीं पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र की रचना किस काल से संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड्स सही आंसर है गुप्त काल से, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गुप्त काल से पंचतंत्र की रचना संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने किसके नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला का निर्माण करवाया था? तो देखिए फिर सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आगा राजा। आगा राजा यानी कि जहांगीर ने आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में चित्रशाला का निर्माण करवाया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए फिर सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1906-07 ईस्वी में पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का रूट किस नदी बेसिन को कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दामोदर नदी को। देखिए फ्रेंड्स, भारत का रूट किस नदी को बेसिन नदी कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 में गया के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए फ्रेंड्स, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास। देखिए फ्रेंड्स, चित्तरंजन दास 1922 में गया के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे, जिनका नाम चित्तरंजन दास है। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भाषा का आधार पर पहला राज्य कौन बना था? तो देखिए फिर सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। देखिए फिर ये आंध्र प्रदेश है, ये निम्न भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? अगर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखिए फिर सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एम ए हसन। देखिए फिर डॉक्टर एम ए हसन ए वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक के रूप में नियुक्त किए गए थे, इन्हीं के द्वारा वार एंड वुमेन पुस्तक लिखा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो देखिए फिर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। देखिए फिर स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला अगर बात करें कि भारत में पहला राज्य कौन बना, तो राजस्थान है वो स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला पहला राज्य बना है। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा, आप सभी ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने किस जिले में पुरैना धाम जानकी मंदिर के विकास को मंजूरी दी है? तो देखिए फिर सही आंसर है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में पुरैना धाम जानकी मंदिर की विकास की मंजूरी दी है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में काला हिरण बचाव केंद्र बनाया जाएगा? तो देखिए फिर सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भोजपुर जिले में। बिहार के भोजपुर जिले में काला हिरण बचाव केंद्र बनाया जाएगा। आप सभी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भोजपुर जिला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क बिहार के किस जिला में स्थापित किया जा रहा है? तो देखिए फ्रेंड्स, सही आंसर है बिहार के पूर्णिया जिला में जूट और नेचुरल फाइबर पार्क बिहार के पूर्णिया जिला में स्थापित किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्णिया जिला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो देखिए फिर सही आंसर है कुमार गुप्त। देखिए फिर कुमार गुप्त गुप्त काल के संस्थापक जो थे, इन्हीं के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक भी बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में लोकसभा की सीट कितनी है? तो देखिए फिर सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 40। देखिए फिर बिहार राज्य में लोकसभा की सीट 40 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल पर करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो देखिए फिर सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महेश सेन। आप देख सकते हैं इंग्लिश चैनल पर पहला चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन बना था? तो महीर सेन बना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? अगर आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए फिर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बैडमिंटन हो जाएगा। देखिए फिर बैडमिंटन जो है ये उबेर कप यानी कि उबेर खेल से संबंधित है। आप सभी ध्यान रखिएगा। तो नमस्कार साथियों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।